मुझे ऐसे ही टाइफाइड हो जाया करता था क्योंकि खाने को कुछ हुआ नहीं करता था। और कनेर कॉलेज जब प्रैक्टिस किया करती थी तो 5 रुपये कैसे नान लेती थी और वो पानी के साथ खाया करती थी। कि मुझे लाहौर आना पड़ता था मैचेस के लिए कनेर कॉलेज में, तो वहाँ आने के लिए मेरे पास इतना किराया नहीं होता था और घर भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में बस की छत पर बैठी हूँ, वो भी इतनी धुंध में और जैसे इतने लड़के थे, तो मेरा खुद दिल डरा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। दिल से सवाल उठा कि, और जैसे मेरी आंखों में आंसू थे और इतनी ठंड में, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था कि ना मेरे पास कुछ खाने को, और इतना पागलपन था कि बस मुझे क्रिकेट खेलनी, किसी तरह बस मुझे क्रिकेट मिले। लोकल मैं क्लब में गई तो एक हफ़्ते बाद सब लड़कों को वहाँ पता चल गया, दूसरे जो एक नेट एरिया लगता था लोकली, तो उनको पता चल गया एक लड़की खेलने आती है। फिर वहाँ पे मोहल्ले में सब औरतों को ऐसे पता चला, तो वहाँ जब मैं खेला करती थी तो औरतें छत पे चढ़ के मुझे देखा करती थी, और इतने ज़्यादा लोग देखा करते थे और मुझे डर लगता था कि इनमें से कोई मतलब मेरे मोहल्ले में ना कोई बता दे या मेरे कोई जानने वाला ना हो। और मैं मतलब ज़्यादा गेम भी कर रही होती थी, साथ सारे ऐसे देख रही होती थी कि बस मुझे कोई यहाँ जानने वाला ना हो। और मुझे ये डर लगा रहता था कि घर ना पता चल जाए, क्योंकि घर पता चल गया तो मेरी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, मुझे कभी भी खेलने नहीं देंगे मेरे घर वाले। तो अपने जहाँ अकेडमी जाया करती थी उस सर के पास गई, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मुझे खेलना भी है और मेरे पास किराया नहीं है लाहौर जाने के लिए, और बड़ा मुश्किल है मेरा अकेला वहाँ पे जाना। तो फिर उन्होंने बोला था कि अगर गिव अप नहीं करना, तूने कभी भी गिव अप नहीं करना, जब यहाँ तक आ गई हो तो आगे। मैंने कहा सर ऑप्शन नहीं है कोई मेरे पास। मैंने क्रिकेट के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है कि किसी को बता भी सकते मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कटिंग क्यों करवाई है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं स्टूडेंट जाया करती थी मुरीद के से लाहौर क्रिकेट के लिए, और बस की छत पर बैठा करती थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में बस की छत पर बैठी हूँ, वो भी इतनी धुंध में और जैसे इतने लड़के थे, तो मेरा खुद दिल डरा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। दिल से सवाल उठा कि, और जैसे मेरी आंखों में आंसू थे और इतनी ठंड में, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था कि ना मेरे पास कुछ खाने को, और इतना पागलपन था कि बस मुझे क्रिकेट खेलनी, किसी तरह बस मुझे क्रिकेट मिले। इसके अलावा जैसे फिर वहाँ वापस आना घर पे भी डांट पड़ने, कोई ऐसे सपोर्ट नहीं कि अब्बू से हौसला मिल जाता या अम्मी से, कोई भी ऐसा मेरा घर का फैमिली मेम्बर नहीं था जो मेरा साथ दे रहा था, कोई ऐसा बंदा नहीं था। मैं गली में गुजरना तो सब औरतें ऐसे बाहर निकल के देखा करती थी मुझे जब मैं जाया करती थी, तो सब मेरे पे हंसते थे कि ये पागल है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। और जब आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं पाकिस्तान ऐसे खेली हूँ, मेरा नाम आया टीवी पे, जैसे फर्स्ट टाइम अंडर-19 खेली उसमें मैंने 8 विकेट्स लिए, तो उसके बाद लोगों ने मुझे जाना, मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे जाना, तो अब्बू को फर्स्ट टाइम जैसे बोला तो मुझे यकीन नहीं आया था कि मेरे अब्बू का बिहेवियर इतना चेंज हो गया, मेरी अम्मी का, जैसे मैं घर वापस आई कैंप के बाद। तो मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था कि शुक्र अल्लाह का, अगर मुझे ये मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे लेकिन उनके बिहेवियर में तो मेरे लिए थोड़ा सा चेंज आ गया। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से जाते थे और रस्से में अपने रस्से याद करती थी कि मुझे ये रस्से याद हो जाएं, उसके बाद यहाँ से जो पैसे मिले गए ये यूनिवर्सिटी के, उसके बाद मैं एक साइकिल लूँगी सेकेंड हैंड, और जैसे साइकिल लूँगी तो मुझे यहाँ अलीमडा राड में आने के लिए मेरे पास किराया नहीं, कुछ भी नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं से कुछ भी करके मुझे क्रिकेट के लिए स्टार्ट करना था कि कहीं से मिल जाए मुझे प्रैक्टिस। वहाँ जैसे अलीमडा अकेडमी गई तो सर अलीमडा ने मेरा वहाँ पर स्कॉलरशिप लगा दिया 3,000, तो मेरे लिए वो इतना ही बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे एडमिशन वहाँ पे मिल गया। और फिर मैंने कहा इतना बड़ा मेरी लाइफ का मेरा ये ख्वाब पूरा हो रहा है कि मुझे प्रैक्टिस मिल गई, मुझे जाना है। तो जैसे वहाँ से निकली और आधा घंटा चलाई तो बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा, और इतनी जैसे गर्मी थी, प्यास थी। उसके बाद जैसे ही मैं चलाती गई अल्लाह ने हिम्मत दी और जैसे मैं अकेडमी पहुँची फिर वहाँ प्रैक्टिस की। और सर को नहीं पता था मैं साइकिल पर आई हूँ, जब पूछा कि बेटा आप कैसे आए हो ना, तो जैसे मैं साइकिल लेके निकली मुझे कहता आप बाइक से, मैंने कही सर साइकिल पे, तो कहता आप पागल हो इतनी दूर से आप बाइक पे हो, बस आप एक दिन आओगे। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक दिन आऊँगी, मैं डेली आऊँगी इंशाल्लाह, मैं कल भी आऊँगी। तो कहता नहीं आप इतनी दूर से कैसे आ सकते हो साइकिल। मैंने कहा सर जी मैं आऊँगी क्योंकि मुझे बस क्रिकेट खेलनी है कैसे भी करके, मतलब मेरे लिए मुश्किल नहीं है साइकिल चलाना, मुझे कोई दर्द है। और जब मैं वहाँ से 1 घंटा 40 मिनट साइकिल चला के आती थी, जब वापस जाती थी तो ऐसे इतनी थक जाती इतनी ज़्यादा, और सर्दियाँ फिर दोबारा जब 6 मंथ मुझे हो गए वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद और सर्दियाँ होती थी, तो जब साइकिल चला के वापस जब जाया करती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं ज़मीन पे चलना भूल गई हूँ, कि मुझे इतना दर्द होता था। फिर एक बात की हिम्मत होती थी, खुशी होती थी कि मैं कुछ तो अचीव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं खुद भी खुद ऑटोमेटिकली आगे निकल जाऊंगी। एक साल बाद PCB 11 टूर्नामेंट आया, उसके बाद मैंने जैसे वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई तो उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट मैच परफॉर्म किया, प्लेयर था मैच हो गई, जैसे मेरे सामने मतलब ऐसे मीडिया वाले कैमरे सब कुछ आए, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
और जैसे मैं वहाँ पे टाइफाइड की हालत में गई, मुझे ऐसे ही टाइफाइड हो जाया करता था क्योंकि खाने को कुछ हुआ नहीं करता था। और कनेर कोल भी जब प्रैक्टिस किया करती थी तो 5 रुपये कैसे नान लेती थी और वो पानी के साथ खाया करती थी कि कोई देखा जैसे छुपा के खाया करती थी। तो ऐसे सारा दिन प्रैक्टिस करना और पास कुछ होना भी नहीं, तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा कि आप परफॉर्म करो परफॉर्म करो। परफॉर्म कैसे करें जब इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली इतना डिस्टर्ब है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन उसमें उस टेंशन में भी आप इतना बेस्ट कर जो कि जैसे कोई टूर्नामेंट होता है उसमें बेस्ट विकेट टेकर बनना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं पीसीबी 11 में गई तो जैसे मैं पहले मैच प्लेयर था मैच हुई, उसके बाद फिर तीसरे मैच में भी स्टेट बैंक के खिलाफ प्लेयर था मैच बनी, तो इतना अल्लाह का शुक्र कि वहाँ पर अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी कि मेरा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम में नाम आया। तो जैसे मुझे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का वो कैंप मिला तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। मेरा लाइफ का बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं लाइफ में कभी देखूं कि कैंप में क्या चीज़ें सिखाते हैं, ऐसा क्या होता है कैंप में कि जैसे लड़कियाँ जाती हैं तो इतना कुछ सिखाते हैं और जो हम लोग यहाँ जैसे लोकल क्लब होता है वहाँ सीख नहीं पाते। तो इतना सबसे बड़ा शौक था जब मुझे फ़र्स्ट टाइम नाम आया मेरा फ़र्स्ट टाइम क्लब में इधर वर्ल्ड कप के रिज़र्व में, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मिल गया। और उसके बाद जैसे रिज़र्व प्लेयर में आई तो जैसे मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि आपकी मतलब पिक चाहिए मुझे ना, हम लोगों को चाहिए होती है बॉल लगाने के लिए। तो जैसे वर्ल्ड कप के रिज़र्व में मेरा नाम आया तो जैसे मुझे फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस किट मिली, तो जैसे मैं अंदर शीशे के सामने गई तो मैंने वो किट पहनी, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ये किट उस लड़की को वापस करूँ जिससे लेके आई हूँ। जैसे पिक ली और मुझे वापस देने का टाइम आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, मतलब इतनी खुशी हो रही थी उस किट को पहन के, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मतलब मुझे सुकून मिल रहा था कि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हर तरह की मुश्किल फेस की, हर तरह के बंदे की डांट हर चीज़ देखी है कि मुझे कोई इंसान देखना पसंद नहीं करता था जब मैंने सब स्ट्रगल देखी। और इतनी मेहनत के बाद आज मुझे वो चीज़ मिली है। तो उसके बाद जैसे वर्ल्ड कप के बाद दुबई के लिए टूर आया वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी सीरीज थी और वहाँ गई फर्स्ट टाइम। और मैंने एयरपोर्ट पे अब्बू को जाके फ़ोन किया तो अब्बू को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे दुबई जा रही हूँ। तो मैंने कहा अब्बू अल्लाह ने हमारी सुन ली है, आज मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया। फिर जैसे मेरे मोहल्ले के लोगों ने देखा, मीडिया में आया, न्यूज़पेपर में आया, तो सारी देख के ऐसे हैरान हुई। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम जिसको पागल कहते थे, जब मैं साइकिल लेके भी कॉलेज से निकला यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से निकला करती थी तो सारी मुझ पर हंसा करती, मेरी फ्रेंड्स वो कहती थी कि ये पागल है, ये साइको है। तो जब मैं पाकिस्तान खेल गई तो स्पेशल उन लोगों ने मुझसे बात की, स्पेशल मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद दी कि हम उस टाइम तुम्हें पागल कहते थे लेकिन आज हमें पता चला हम लोग पागल हैं, क्योंकि आज वो सब किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे नहीं है। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे आज इतनी इज्जत दी, मुझे पाकिस्तान नाम मिला, मुझे पीसीबी की तरफ से मौका मिला। और वो बंदी पाकिस्तान खेल गई है जिस बंदी को पीसीबी का अटैक का पता ही नहीं होता कि पीसीबी का मतलब क्या है, वो बंदा पाकिस्तान कैसे खेल सकता है, कि सिर्फ एक एम था कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो जैसे जैसे अल्लाह ने वसीला बनाता गया मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि इतनी मुश्किल के बाद अल्लाह ने मेरे लिए इतने वसीले भी बनाए। उसके बाद जैसे मुझे पाकिस्तान कलर लग गया और जैसे मुझे फ़र्स्ट टाइम किट मिली किट साइज़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप साइज़ चेक करो। तो जैसे ही मैं गई रूम में तो जैसे मैंने किट पहनी तो उसी में मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदे में गई, इतना रोई कि अल्लाह इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ। और उसी की पाकिस्तान किट को जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना और सारी रूम टीममेट मेंबर मुझे मतलब मुबारकबाद दे रही थी, उसके बाद वो हंस रही थी, मुझे कह रही थी कि सब उतार दो, अभी तो उतार दो, सिर्फ ये साइज़ के लिए मिली है। तो मेरा दिल नहीं चाहता मैं इस किट को उतारूँ, जैसे पूरी रात फिर इस किट को पहन के सोई हूँ। और सुबह के 2 बज के जब ये सब कह रही है खुदा का नाम अब तो उतार दो, तो मेरे लिए मतलब मेरा दिल चाह तब भी नहीं चाह रहा था कि मैं इस किट को उतारूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है। जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं तो उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी हार मत मानना, मतलब लाइफ सिर्फ एक स्ट्रगल का नाम। हम लोगों को मतलब यहाँ जिस तरह की हमारी सोसाइटी है बहुत बुरा समझा जाता है लड़की घर से बाहर निकले, लेकिन अगर आप अच्छे रस्ते पर हो तो अल्लाह आपके लिए वसाइल पैदा करता है। और ज़िंदगी में कभी हार ना मारना, क्योंकि जहाँ आप किसी भी फील्ड में हो मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको नाकामी मिले, वो कहीं ना कहीं चाहे 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने करना है।